नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। महाराष्ट्र के डीआईजी निशिकांत मोरे के खिलाफ पिछले महीने एफआईआर दर्ज किया गया था दोस्त की बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में, जिसके बाद मामला काफी संगीन हो गया। 17 साल की लड़की जो डीआईजी निशिकांत मोरे के दोस्त की बेटी है, हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त निशिकांत मोरे बर्थडे पार्टी में गए थे, उसी वक्त छेड़छाड़ किया था। लेकिन उसी केस से जुड़ी कुछ और खुलासे सामने आए हैं। डीआईजी निशिकांत मोरे केस में आया नया मोड़। जिस लड़की ने निशिकांत मोरे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और तलोजा पुलिस स्टेशन में निशिकांत मोरे पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तब से निशिकांत मोरे फरार हैं। 9 जनवरी को पनवेल कोर्ट में एंटीसेप्टरी बेल मांगी थी, जो रिजेक्ट हो गई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने डीआईजी निशिकांत मोरे को निलंबित कर दिया। 6 जनवरी को लड़की के हाथों लिखा एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था, मैं डीआईजी के प्रेशर में आकर सुसाइड करने जा रही हूं, मुझे ढूंढना मत। जैसे ही पुलिस को ये खत मिला, वो हरकत में आई और 12 टीम बनाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। 14 जनवरी को लड़की देहरादून से एक लड़के के साथ बरामद हुई, जिसका नाम नितिन ब्रह्मानंद सिंह, उम्र 20 साल बताई जा रही है। इस लड़के पर तलोजा पुलिस स्टेशन में धारा 363 और पोस्को एक्ट की धारा 8A लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पनवेल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 12 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। हम जानते हैं हमारे संवाददाता सबिया हुसैन शेख से क्या जानकारी उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहर टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख, हम मौजूद है पनवेल डीसीपी जोन 2 में। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई डीआईजी निशिकांत मोरे पर, जो आरोप लगाया गया है कि एक लड़की के साथ जो छेड़खानी की गई है। उस लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि मैं डीआईजी निशिकांत मोरे से तंग आकर उसकी छेड़खानी के हरकतों के वजह से मैं अब सुसाइड करने जा रही हूँ। उस दिन से वो लड़की लापता थी, लेकिन कल ही तलोजा पुलिस स्टेशन ने उस लड़की को देहरादून से बरामद किया एक लड़के के साथ। उस लड़के की उम्र 20 साल बताई जा रही है और उसके ऊपर पोस्को एक्ट लगाकर उसे 12 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इसी सारी बातों को लेके आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और डीसीपी जोन 2 के डीसीपी अशोक दुबे ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ऑफेंस बहुत सेंसिटिव था, इसलिए तुरंत हमने तपास शुरू किया था। जिस दिन से जब जो बच्ची है उसका अपहरण हुआ था, उसी वक्त खंडपुर स्टेशन में दूसरा 20 साल का युवक खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की। उसी दिन वो दोनों साथ में यहाँ से गए हैं, इसके बारे में सीसीटीवी फुटेज हमें मिला था। वो जहाँ जहाँ गए थे उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिली थी, उसके तहत पूरी जांच हमने की है। अभी तक थोड़ा सफल हुआ है। तो कल ही देहरादून से ये जो लड़की है और जो 20 साल का युवक है, तो दोनों को हमने ताबे में लिया है। इसमें सेक्शन 8 उसको ऐड करने के बाद जो युवक साथ में गया था उसको ये ऑफेंस में अरेस्ट किया है। कोर्ट में हाजिर करने के बाद उसको, ये युवक को 12 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई है। सर, इसमें लड़की माइनर है, लड़का मेजर है। किडनैपिंग का ऑफेंस हमने रजिस्टर किया था, उसके बाद ये लड़का मिलने के बाद पोस्को एक्ट सेक्शन 8 के तहत सेक्शन ये बढ़ा दिया है, उसमें उसको अरेस्ट किया। सीआर नंबर 4/2020 जो तलोजापुर स्टेशन में दाखिल किया है, इसमें अभी तक जो तपस किया है वो तपस में डीआईजी मोरे के हाथ नहीं है, ऐसे हमें अभी तक मालूम हुआ। सर, डीआईजी मोरे अभी तक फरार है, तो अब तक आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? जो तलोजा में जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, उसमें डीआईजी मोरे इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, महाराष्ट्र और आउट ऑफ महाराष्ट्र हर जगह हमने पूरा स्क्वाड हमने भेजा है। जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वहाँ पे वेरीफाई किया है, लेकिन जल्द ही हम उनको अरेस्ट करेंगे। 9 तारीख को जो एंटीसिपेटरी बेल थी, हमने थोड़ा स्ट्रांगली अप्रोच करके
वो रद्द की है, आगे भी उनको बेल ना मिले और जल्दी वो अरेस्ट हो जाए, ये हमारी पूरी कोशिश जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है, ये लड़का लड़की के पहचान का था और जब से निशिकांत मोरे का मामला सामने आया तब से लड़की के परिवार के साथ ही दिखाई अक्सर देता था। जिस दिन लड़की की सुसाइड नोट मिला उसी दिन लड़के की मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई, जिसकी जांच किया गया तो पता चला दोनों साथ में फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें खोज निकाली देहरादून से। दोनों को धर दबोचा और इस केस में फरार चल रहे निशिकांत मोरे का कोई पता नहीं चल रहा है। पनवेल जोन 2 के DCP अशोक दुबे का कहना है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।